मात्र 13 लाख रुपए रखा गया है पेट्रोल में। ये जो देख रहे हैं ये आपको एडजस्टेबल आ जाता है आर्मरेस्ट, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप पैनोरामिक सन मिलता है, सेगमेंट फर्स्ट बोल सकते हैं, इतना बड़ा ऑप्शन मिल जाता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको आ जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सॉफ्ट टच व्हाइट स्टिचिंग के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ तो आपको अब देखने को मिल जाता है इसमें वेंटिलेटर सीट, यानी इस रूम में भी और उस रूम, मतलब दोनों ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाता है। 6 वे एडजस्टेबल आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, यहाँ इसके बाद इसको आप रिक्लाइन इसमें कर सकते हैं और साथ ही साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। टोटल इसमें 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक है तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ तो 2 पैडल आपको दिया गया है। बैठते हैं इसके ऊपर में और हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो बैठने के लिए पकड़ना पड़ता है हैंडल को, नहीं तो आप यहाँ इसको पकड़ते, तो हैंडल दिया गया, इसको पकड़ के ही अंदर में यहाँ बैठेंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ, अगर हम स्टेयरिंग की बात करेंगे तो काफ़ी बेहतर सा लेदर रैप में आपको यहाँ पर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। डी कट में यहाँ देखेंगे तो ग्रे कलर का आपको टच देखने को मिल जाता है, ब्लैक पियानो का यहाँ पर टच देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे टिल्ट केबल आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल भी यहाँ लगी हुई है। बात करेंगे यहाँ तो महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। इस साइड में आ जाता है आपको म्यूजिक का कंट्रोल, यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, बाकी सारा सेटिंग आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं, रिज्यूम वगैरह जो भी करना सारा चीज़, चूँकि ये अडास है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा लेन असिस्ट वगैरह भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है। अगर वाइपर का कंट्रोल की बात करेंगे तो आपको ऑटो में दिया गया, वहीं हेडलैम्प की बात करेंगे ये भी आपको ऑटो में यहां पर देखने को मिल जाता है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा यहां से क्लस्टर को हम ऑन, अगर क्लस्टर ऑन करेंगे तो फुल्ली डिजिटल आपको क्लस्टर यहां पर इसमें देखने को मिल जाता है। यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है ये किलोमीटर, इस साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे टेकोमीटर, पार्क में है तो यहाँ पर पार्क का आपको देखने को मिल जाता है एक पी, यानी पी फॉर पार्क, यहाँ से आप PRND MD सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, जो जो मोड में आप चलाना चाहें चला सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है 4H, 2H, N और 4L, इस तरह का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है, वही यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ तो और क्या क्या हमको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार का ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हाँ ड्राइविंग इन्फॉर्म और हिस्ट्री अलर्ट, सेटिंग, डिस्प्ले लेआउट, अगर किस तरह से आप चाहें ड्राइविंग असिस्ट आपको देखें, नेविगेशन आपको यहीं है, यहीं से असिस्ट कर सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखाया, व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करेंगे तो और क्या क्या है, यहाँ फ्यूल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में हमको क्या सब देखने को मिल जाता है, तो ये अगर बात करेंगे यहाँ तो क्रूज कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहीं जो बटन दिया गया यहीं से सारा क्रूज कंट्रोल आप ऑन ऑफ इसमें कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी सारा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। बात करेंगे और क्या है इसमें, तो आपको यहां अगर देखेंगे व्हीकल इंफॉर्मेशन में, तो व्हीकल इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहां पर देखने को मिल जाता है टायर में कितना प्रेशर है, 39 39, चारों व्हील में आपको 39 39 का आपको यहां पर देखने को ऑप्शन मिल जाता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें दिया गया है। नॉर्मल में यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल दिया गया है, इसमें मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें, अगर हम बात करेंगे यहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, तो कुछ इस प्रकार का इसका बड़ा सा 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसको बंद चालू कर सकते हैं, बहुत सारा फिजिकल बटन भी दिया गया है, आपको नेविगेशन मिल जाता है, इस तरह का लेआउट है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ये सपोर्ट भी कर देता है। यहाँ होम पे जाएंगे तो अभी होम पे या सेटिंग में जाना चाहें तो यहाँ पर आप इसका सेटिंग भी सारा चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अगर बात करेंगे ऑडियो है, फोन है, वाईफाई है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को इस पर मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो पहले की तरह आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, एयरबैग का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बात करेंगे यहाँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टिकरिंग किया गया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ तो एकदम सॉफ्ट क्लोजर ये देखने को आपको मिल जाता है, बट इसमें आपको कूल्ड नहीं आता, कूल्ड यहाँ पर आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड में बात करेंगे सनसेट के ऊपर में, तो आपको एक मिल जाता है वैनिटी मिरर विथ लाइट, आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाता है। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक इसमें IRVM देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको कर दिया गया है, जो कि एकदम फ्रेमलेस है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये फ्रेमलेस आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल रहा होगा, काफ़ी बेहतर सा आप देखने में, मतलब काफ़ी अब महिंद्रा थार रॉक्स को काफ़ी प्रीमियम कर दिया गया है। व्हील बेस भी बहुत बढ़िया मिल जाता है, पीछे भी लेग रूम नी रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, प्रीमियम ने इसमें कहीं कोई कमी नहीं मिलता है। बहुत सारा अगर बात करेंगे इस सीट की तो वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है, गर्मी में बहुत फ़ायदा ये करता है, आपका पीठ जो है वो भींग जाता है गर्मी में अगर गाड़ी चलाएंगे तो, वैसे अगर वेंटिलेटेड सीट है तो आपका पीठ जो है नहीं भींगेगा। अगर बात करेंगे इस साइड में तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है लाइट के साथ मिल जाता है आपको सनसेट के ऊपर में एक मिरर, मतलब सभी आदमी ड्राइवर को भी सजना संवरने में कोई परेशानी नहीं और
ड्राइवर को भी। अब यहाँ पर देखेंगे एलईडी में लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको अडास का सारा सेंसर वगैरह दिया गया है। ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है माइक। बट एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर आपको अगर एक सनग्लास होल्डर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। सनग्लास होल्डर यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। बात करेंगे तो आपको लाइट देखने को मिल जाता है जो कि आ जाता है ये आपको एलईडी में। सबसे बड़ा पैनोरामिक सन मिलता है, सेगमेंट फर्स्ट बोल सकते हैं, इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा खोलना है तो यहाँ थोड़ा सा भी इसको ओपन कर सकते हैं। पूरा चाहे तो पूरा को भी आप यहाँ ओपन कर सकते, सिंगल टच में ये पूरा आपको ओपन हो जाता है। काफी बेहतर सा चीज निकल के आया था। यहाँ से इसको अगर बंद करना चाहे तो यहाँ से इस बटन से ही सारा चीज होता है। यहाँ जो देखेंगे इस बटन से देख सकते हैं, मतलब सेगमेंट फर्स्ट काफी बड़ा सा आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ देखने को इसमें मिल जाता है। हर जगह आपको थार का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। सीट के ऊपर में भी सीट बेल्ट अगर आप चाहते हैं एडजस्ट करना तो आपको को ड्राइवर साइड भी सीट बेल्ट आप यहां से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं पुल लिखा हुआ है। एसआरएस का बैग आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, एयर बैग। वहीं देखेंगे इस साइड में तो यहां से भी आप यहां को ड्राइवर और ड्राइवर साइड दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा फीचर आपको मिल जाता है। ये जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आप महिंद्रा थार रॉक्स में। यहाँ अगर बात करें कंसोल के ऊपर में तो आपको देखने को मिल जाता है एक ये पैटर्न, कार्बन फाइबर का पैटर्न है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको एसी वेंट देखने को मिल जाए, एसी वेंट देखने को यहाँ पर देख मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये आ जाता है ऑटो में एसी, ऑटो का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी इसमें किया गया है। नीचे की साइड में देखेंगे तो बहुत सारा बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि को ड्राइवर साइड अगर वेंटिलेशन सेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको 4x4 है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये 4x4 अगर आपको पीछे का जो एक्सल एंगेज करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया, ये दिया गया है आपको। इस बटन की बात करेंगे तो आपको मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे नॉर्मल स्नो मड और सैंड, मतलब इतना सारा मोड आप यहाँ से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। टिकटॉक के लिए यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये दो बटन आपको डमी देखने को मिल जाता है, ये आपको सेफ्टी पर्पस से दिया गया है। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये मिल जाता है आपको ये को ड्राइवर साइड अगर आप चाहते हैं एडजस्ट करना सीट ये वेंटिलेशन तो यहाँ से आप इसमें एडजस्ट करें। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ मोड आपको मिल जाता है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, प्लस, एम और डी। वह यहीं देखेंगे तो आपको मिल जाता है ऑटो होल्ड विथ ऑटो पार्किंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रोम टच के साथ में। यहाँ देखेंगे तो दो कप होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये आपको क्रोम टच के साथ में आ जाता है। ये जो देख रहे हैं ये आपको एडजस्टेबल आ जाता है आर्मरेस्ट। यहाँ देखेंगे तो आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है, बट ये आपको एडजस्ट नहीं होगा, ये एडजस्ट जरूर हो जाता है। आगे पीछे करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पीछे में और बात कर लेते हैं कि हमको यहाँ क्या देखने को मिलेगा पीछे वाले डोर के ऊपर में। यहाँ अगर बात करेंगे पीछे वाले डोर के ऊपर में तो बहुत बड़ा ये पूरा आपको 90 डिग्री ओपन हो जाता है। इससे पहले आपको केवल यहाँ टाटा में देखने को मिलता था, अल्ट्रोज वगैरह में 90 डिग्री डोर ओपन आपको होता था, बट अब यहाँ ये महिंद्रा में भी आपको पूरा का पूरा 90 डिग्री डोर ओपन हो जाता है। बात करेंगे यहाँ तो ब्लैक पियानो के साथ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो डोर ओपनर क्रोम में दिया गया है, लॉक अनलॉक ये भी क्रोम में मिल जाता है। ये सब आपको सॉफ्ट आ जाता है सिल्वर स्टिचिंग के साथ में। यहाँ आपको बड़ा सा ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ हरमन कार्डर का आपको स्पीकर का प्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा जगह मिल जाता है, इसमें कोई बोतल वगैरह आप नहीं रख सकते। बोतल रखने का बहुत कमी है इस गाड़ी में, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। छोटा सा ये भी और बढ़ जाता तो बेहतर सा हो जाता। अगर चलते हैं अंदर में, अंदर में बहुत वाइट कलर का इंटीरियर से काफ़ी बेहतर लगता है देखने में। अगर बात करेंगे तो इस सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ से इस ये जो लीवर दिया गया, यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। बीच में पूरा फ्लैट दिया गया, इसलिए बैठने में भी आपको कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाला है। एक छोटा सा आपको मैगजीन यहाँ रखने के लिए पॉकेट मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो आइसोफिक्स, दोनों साइड में आइसोफिक्स, यानी छोटा बच्चा बैठाना उसके लिए सीट आता है, आप पर उसको बैठा सकते हैं। यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये फिक्स हेडरेस्ट है। छोटा सा बच्चा बैठे या सियान भी बैठे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। यहां देखेंगे फ्रंट में भी आपको मिल जाता है दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलिए इसके अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं कितना कंफर्ट इसका आ जाता है। फिर वही चीज, बैठने के लिए यहां पर दिया गया फुट पैडल, यहां दिया ग्रैब हैंडल और इसको लेकर के ही यहां बैठना पड़ता है। तो थाई सपोर्ट में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला। काफी इसका जो है चौड़ा सीट है, ये जो सीट देख रहे हैं काफी चौड़ा, थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल जाता है। लेग रूम, नी रूम काफी बेहतर से आपको यहां देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम इसके व्हील बेस की बात करेंगे तो 2850 mm का आपको इसको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अगर आपको पूरा आनंद लेकर के जाना है तो आप आराम से इतना तक इसमें रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन करने के लिए बटन आपको दिखा दिया, तो यहां से आपको जितना चाहे उस हिसाब से इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। इतना अगर रखते हैं तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे, बट थोड़ा सा इसको और पीछे कर देते हैं तो काफी बेहतर कंफर्ट जोन आपको मिल जाता है। साथ साथ यहां देखेंगे तो ये मिल जाता है आपको एक
आर्मेट साथ साथ यहाँ देखेंगे तो मिल जाता है दो कप होल्डर, काफ़ी बेहतर सा है यहाँ। इसको अंदर ऐसे आप कर सकते हैं, खोलने के लिए यहाँ पर एक दिया गया है, इसको यहाँ से ऐसे आप खोल सकते हैं। ये आपको 60-40 में सीट को यहाँ पर इसमें फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो आपको इस साइड में यहाँ पर भी एक लाइट देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि आ जाता है कुछ इस प्रकार का। यहाँ एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको कोट हुक इसमें देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फीचर प्रूफ मतलब फ्यूचरिस्टिक कार इसको बनाया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और हमको सेफ्टी में क्या सब यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसको करते हैं यहाँ से बंद। अगर हम इसके बात करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे बना है, तो ये आपको बता दें काफ़ी बेहतर से आपको इसका प्लेटफॉर्म जो है दिया गया है, ऑल न्यू ग्लाइड प्लेटफॉर्म पर ये बनाया गया है। लेडर ऑन फ्रेम आपको इसका जो है चेची से आ जाता है, तो काफ़ी बेहतर से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये इसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल और साथ ही साथ 2.2 लीटर का आपको यहाँ डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। पावर की बात करेंगे तो बहुत सारा पावर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, पावर में भी कहीं कोई आपको कमी नहीं होने वाला है। अगर हम पावर की बात करेंगे 2 लीटर इंजन में TGDI 119 kW का पावर मिल जाता है, 330 Nm का टॉर्क मिल जाता है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर हम जाते हैं इसमें अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो 130 kW का पावर मिल जाता है, 380 Nm का ये टॉर्क जनरेट कर देता है। वहीं अगर हम 2.2 mHg डीजल इंजन में जाते हैं तो वहाँ भी अच्छा खासा पावर ये जनरेट कर देता है, जो कि आ जाता है 111.9 kW का पावर। टॉर्क की बात करेंगे तो 330 Nm का ये टॉर्क जनरेट कर देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक में आपको 128 kW का पावर और 370 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। तो आपको पावर में भी कहीं कोई परेशानी इस गाड़ी में नहीं होने वाला है। अगर हम बात कर लेंगे इसमें तो अडास का जो लेवल 2 मिलता है उसमें 10 फीचर देखने को मिल जाता है, फीचर में भी कहीं कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एड्रेनोक्स का जो है वो भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारा फीचर आप मोबाइल से भी इसमें कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें तो MX5 में आपको अगर 4x4 लेना है तो 2 ऑप्शन मिल जाता है। MX5 में जो मिड वेरियंट है उसमें आपको 4x4 देखने को मिल जाता है, और X7 में मैनुअल ट्रांसमिशन में 4x4 देखने को मिलता है, मतलब 2 जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें आपको 4x4 देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे अगर ऑटोमेटिक में लेना है तो X5L ऑटोमेटिक जो आता है वो 4x4 आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ X7L ऑटोमेटिक उसमें 4x4 मिल जाएगा। यानी कि आपको 2 मैनुअल में मिल जाता है 4x4 और 2 ऑटोमेटिक में 4x4 देखने को आपको इसमें मिल जाता है। मतलब बहुत सारा वेरियंट और बहुत सारा इसमें आपको दिया गया है ये ऑप्शन कि कहाँ आपको कैसे यूज करना है, आप किस हिसाब से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ऑफ रोड करना उस हिसाब से या ऑन रोड चलाना चाहते हैं उस हिसाब से। वही हम बात करेंगे आपको तो इसमें अप्रोच एंगल हो, डिपार्चर एंगल हो, तो ये सब बहुत सारा चीज़ हम बता ही दिए मिल जाता है, बहुत सारे इसमें फीचर मिल जाता है, कहीं कोई आपको इसके फीचर में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि महिंद्रा थार 4x4 ये आपको कैसा लगा। स्टार्टिंग प्राइस आपको इसका मात्र 13 लाख रुपये रखा गया है पेट्रोल में, डीजल में बात करेंगे तो वो आपको 14 लाख रुपये रखा गया, 14 लाख में भी 1 रुपये आपको कम मिलता है। वैसे अभी टॉप मॉडल जो ये 4x4 लगा हुआ है इसका अभी प्राइस नहीं आया, बट इसका जैसे ही प्राइस आ जाता है तो वो हम आपको शेयर कर देंगे, कमेंट में आपको देखने को वो मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ का डिस्क्रिप्शन में भी राधा हरी मोटर्स का आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव भी जल्दी ही आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।